आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आइए हम जान लेते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है और उसके बारे में आज हम डील करेंगे। हेल्थ केयर सर्विसेज ये वर्ड से ही डिफाइन होता है। आप लोगों को हेल्थ का मतलब पता है और केयर का मतलब भी पता है। वैसा केयर जो हेल्थ के लिए दिया जाता हो उसे हेल्थ केयर सर्विसेज बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज का मीनिंग क्या है। मल्टीट्यूड्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू इंडिविजुअल फैमिलीज और कम्युनिटी बाय द एजेंट्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये किस लिए दिया जाता है? फॉर प्रमोटिंग मेंटेनिंग एंड मोनिटर और रीस्टोरिंग ऑफ हेल्थ के लिए। तो हेल्थ केयर सर्विसेज वैसा सर्विस है जो कि किसी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो भी क्लाइंट है उनके पास पहुंचाया जाता है या जो भी इंडिविजुअल है उनके पास पहुंचाया जाता है। और ये किस लिए पहुंचाया जाता है, किस लिए उनको दिया जाता है? ताकि उनका अच्छे से मेंटेनेंस हो सके हेल्थ का, उनको अच्छा केयर मिल सके और वो ईजिली अपने हेल्थ को रीस्टोर कर पाएँ। तो ये इसलिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाता है। ये हेल्थ केयर सर्विसेज इसमें आ जाते हैं, जैसे आजकल जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहे हैं, उसके बाद पहले मैनुअली ज़्यादातर काम होता था। अब क्या हो गए हैं, धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ है, लोग जैसे जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे सभी चीज़ें एडवांस्ड होती जा रही हैं, चेंजेज होते जा रही हैं। पहले मैनुअली सारे काम होते थे, आजकल कंप्यूटराइज बेस्ड पे ज़्यादा काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे ज़्यादा काम होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज के ग्रोथ और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लोगों को जीने की चाह बढ़ती जा रही है, सभी लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम 60 साल नहीं और ज़्यादा जिए, जितना ज़्यादा तक हम जी सकते हैं। और ऐसा वो लोग नहीं जिनके पास पैसा है, वही नहीं जिनके पास पैसा नहीं है वो भी ऐसा सोचते हैं। तो जिनके पास पैसा है वो तो इस चीज़ को फुलफ़िल करा लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तो अच्छा अच्छा हॉस्पिटल्स में, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने हेल्थ को रीस्टोर करके कुछ समय तक रख सकते हैं। जैसे जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं, आज अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन इतने एजेड हो गए हैं फिर भी अभी तक अपने आप को हेल्दी रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। और उनके पास पैसे हैं तो उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत ईजिली पहुँच जाती है और वो अपने हेल्थ को रीस्टोर करके रख पाते हैं। इसमें कहता है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेज अफेक्टिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज द डेमोग्राफिक चेंजेस। अच्छा, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होता है? डेमोग्राफिक हमें बताता है कि एक एरिया में पॉपुलेशन कितना है। इसको हिंदी में बोले तो इसको जनगणना बोलते हैं। जनगणना के आधार पर हम देखें तो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उसमें देखा जा रहा है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 75 के जो रेंज में आते हैं, उन लोगों का तादाद ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हेल्थ केयर सर्विसेज इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि लोगों की हेल्थ की जो एक्सपेक्टेंसीज हैं उसको फुलफ़िल किया जा रहा है और वो लोग अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हैं। जैसे ये 65 to 75 वाले जितने भी लोग हैं, इन लोग को जैसे ओल्ड एज होम में या हॉस्पिस केयर सेंटर्स में या कम्युनिटी लेवल पे इन लोगों को वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं जिससे कि वो अपने हेल्थ को बहुत ही अच्छा बना करके रख पा रहे हैं। हॉस्पिस केयर सेंटर क्या होता है? जहाँ पे जो भी कोई पेशेंट हो गया जो टर्मिनली इल है, मतलब उसका जो इलनेस है, उसका जो डिजीज़ है, वो ईजिली रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है, बस उनको एक पीसफुल डेथ प्रोवाइड किया जा सकता है जिसमें वो आसानी से अपने डेथ को रिसीव कर सकें या अचीव कर सकें। इसलिए हॉस्पिस केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे वैसे लोगों को रखा जाता है जो जिनका डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है, उनका हेल्थ ईजिली रिकवर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का मतलब आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज भी बढ़ते जा रही हैं और लोगों की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ते जा रही है। अब जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में आप लोग देखते होंगे कि मैनुअली ज़्यादातर सिरिंजेज वगैरह अब उतने नहीं यूज किए जा रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह, आईवी फ्लूइड्स वगैरह। अब देखते हैं इन्फ्यूजन पंप आ गए हैं बहुत सारे जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, वो उन पे डोज फिक्स कर दिया जाता है और लगा दिया जाता है बॉडी में, एक
पाइप के थ्रू या एक किसी भी मेथड के थ्रू, जिससे वो क्या होते हैं बॉडी में टाइम टू टाइम जितना डोज पहुंचना चाहिए उतना ही डोज वो देते हैं, और वैसा हेल्थ केयर में एडवांसमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जिसके वजह से जैसे कार्डियो टेलीमेट्री है, ये नया एडवांसमेंट है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक यूनिट हो गया या कोई रूम हो गया जिसके अंदर सभी जितने भी क्लाइंट हैं उनके हेल्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, उनके वाइटल साइंस को स्टोर किया जा रहा है, और वो वाइटल साइंस जहाँ पे नीड है, अगर कोई पेशेंट है बेड रिडन पेशेंट है या इतना क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो अपने डायग्नोसिस के लिए नहीं जा सकता है, वो अपने जैसे उनके भी जो भी वाइटल साइंस लेने हैं वो उसके लिए नहीं जा सकता है, पोर्टेबल नहीं है वो, तो उसके लिए ऐसे यूनिट्स बनाए गए हैं, ऐसे रूम बनाए गए हैं जहाँ पर उनका सारा डाटा लिया जाता है और डॉक्टर्स तक या जो भी सुपरिटेंडेंट्स हैं जिनको नीड्स है उन तक वो डाटा पहुंचाया जाता है और अच्छे से उनका केयर हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं राइजिंग कंज्यूमरिज्म। राइजिंग कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमरिज्म में कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो लोग ये हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं, जिनके लिए ये हेल्थ केयर सर्विसेज बनाई जा रही है उनको हम कंज्यूमर बोलेंगे। कंज्यूमर में हम लोग आ सकते हैं जितने भी ये इंडिविजुअल पब्लिक हो गए हैं, पीपल्स हो गए हैं, वो सब कंज्यूमर्स के रूप में आते हैं। तो जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज भी इन्फ्लुएंस्ड हो रही है और ज़्यादा एडवांस्ड हो रही है और उसमें ग्रोथ आ रहा है। तो इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आज का इंटरनेट का ज़माना है ना, तो इंटरनेट के ज़माने में हम देखते हैं कि लोग अवेयर हो गए हैं, ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, उनको हेल्थ के बारे में अच्छे से पता है कि उनके लिए हेल्थ कितना बेनिफिशियल है और उनको हेल्थ केयर कैसे किससे लेना है और कहाँ लेना है। तो वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो अच्छे हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनका तो ऐसा है कि वो रोज़ कमाएंगे, उनका ज़्यादातर पैसा उनके मतलब डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ में चला जाता है, डेली लाइफ के नीड्स को फुलफ़िल करने में, और कुछ पैसा बचता है तो उससे उनके हेल्थ का उतना अच्छे से रिस्टोर नहीं हो पाता, वो अपने हेल्थ में उतने अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया राइजिंग कंज्यूमरिज्म के कारण, जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज भी एडवांस हो रही है और बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कैसे ये अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हेल्थ केयर सर्विसेज को? जैसे पॉलिटिक्स है, ऊपर से जो भी कोई नए स्कीम्स आ रहे हैं, नए जो भी नए एडवांसमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर सर्विसेज में, अगर वो प्रॉपरली जो भी साइट्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या पब्लिक तक जहाँ इजीली पहुँच सके वो सारी सर्विसेज, वहाँ तक अगर वो पॉलिटिक्स के कारण या पॉलिटिक्स में जो भी लोग हैं उनके कारण वो नहीं पहुँच पा रहा है तो उससे भी हेल्थ केयर सर्विसेज इन्फ्लुएंस्ड होगा। या अगर पॉजिटिव वे में देखें तो वो अगर उस चीज़ को सही वे में वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं तो उससे उन लोगों का हेल्थ अच्छा होगा। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेज, ये बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस में क्या होता है कि अगर इकोनॉमिक से मतलब आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि अगर हमारे कंट्री का, पूरे इंडिया का इकोनॉमी अगर गिर जाता है तो हेल्थ केयर सर्विसेज पे अफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारे फैमिली का इकोनॉमी गिर जा रहा है तो हमारे फैमिली में जितने लोग हैं उनके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो वैसे ही इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेज इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ केयर सर्विसेज को। अगर पूरे कंट्री का इकोनॉमी अगर लूज हो जाता है, डाउन डिक्लाइन हो जाता है तो हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज भी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर। फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ब्रांच वाइज कर देना, अलग अलग स्पेशलाइज्ड कर देना, कैटेगराइज्ड कर देना, इसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। फ्रैगमेंट मतलब एक चीज़ को तोड़ करके अलग अलग पार्ट में कर देना। तो फ्रैगमेंट्स ऑफ केयर, केयर जो भी पेशेंट को या क्लाइंट को, जो भी इंडिविजुअल को केयर मिल रहा है वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में मिल रहा है। जैसे हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन हो गया है, अब हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट अलग हैं, स्टमक के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट अलग हैं, एंडोक्राइन के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अलग हैं, ऐसे हर चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया हमारे केयर का। इसमें क्या है, ये कैसे हेल्थ केयर सर्विस को इन्फ्लुएंस करता है, अब इसमें ये हो जाता है कि अगर हमें एक साथ दो तीन बीमारियां हो जा रही है
तो फिर पर्सन पहले से ही अपने आप को ये करने लग अज्यूम करने लगता है कि हाँ मैं अफोर्डेबल हूँ कि नहीं, मैं उतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं इस केयर को लेने के लिए। क्योंकि अगर मेरे को हार्ट रिलेटेड और स्टमक रिलेटेड या डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर एक साथ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो पहले सोचने लगेगा कि मेरे को पूरा मनी इकट्ठा करना होगा, मनी एक्वायर करना होगा, उसके बाद मैं प्रॉपर हेल्थ केयर ले पाऊँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मेडिसिन लेनी होंगी, बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने होंगे, बहुत सारे डायग्नोसिस करवानी होंगे, तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर के कारण हेल्थ केयर सर्विसेज इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, तो आप लोग आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर मैंने हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में डील किया। नेक्स्ट हमने डील किया कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें पहला हमने देखा इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे जैसे लोगों की लाइफ बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उनकी एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती जा रही है कि हाँ हमें हेल्थ को अपने अच्छा रखना है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में मैंने बता ही दिया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांस हो रहा है वैसे वैसे हेल्थ केयर सर्विसेज और बेहतर होती जा रही हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज बेहतर तभी हो रही हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के कारण हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होती जा रही हैं। नेक्स्ट हमने राइजिंग कंज्यूमरिज्म देखा, कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं और वो ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है तो वो सभी लोग ज़्यादा हेल्थ को लेकर के मतलब कॉन्शियस हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देख लिया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस। फ्रैगमेंटेशन ऑफ केयर हमने अच्छे से डील कर लिया। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें ताकि आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू।